लेकिन सर गोदरेज कंज्यूमर कैसा दिख रहा है? 922 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट जोन जो इसका 928 है, आज देखिए इसका हाई जो है 931 लगा है। अब देखना ये है कि आज ये अपनी क्लोजिंग कहाँ करता है। एक्सपेक्ट कर रहा हो कि ये हो सकता है अपनी क्लोजिंग जो है 928 के ऊपर ही कर दे, एक्सपेक्टेशन यही है। और 928 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आज हो जाती है तो एक बार के लिए तो आप इसको बाई कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म मैं बोलूंगा 15 दिन के लिए। 15 दिन मुझे लगता है 928 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक बार इमीडिएटली झटके में ये 970 या फिर 993 तक का टारगेट दिखा सकता, हो सकता है स्पाइक दे दे, बिकॉज ब्रेकआउट जोन को जब ये क्लोज करता है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक स्पाइक बन जाता है इसके अंदर में। और नंबर्स भी कहीं ना कहीं इसको जो है 993-977 के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक प्लेनेट्स के फेवरेबल कंडीशन अभी फिलहाल 14 तारीख तक इसको बनी हुई है, इसलिए देखिए अपनी थोड़ी अप मूव जो है वो बना के रखा हुआ है, मार्केट का इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और आज की क्लोजिंग 928 के ऊपर आ जाती है, आप क्लोजिंग के जस्ट एक दो मिनट पहले आप बाई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्लोजिंग होने जा रही है, उसके हिसाब से आपको स्पाइक के अंदर में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जी तो ये है गोदरेज कंज्यूमर्स पे नितिन गामी सर की राय।